जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनर्जी कमांडो, आज फिर से इस नए सेशन में आपका स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है कि ठोकिया, कुछ समय पहले आपने एक नए वीडियो मेरा देखा होगा कि ददुआ, शिव कुमार और ददुआ का मुठभेड़ कैसे हम लोगों ने अंजाम दिया, उसको कैसे हम लोग खात्मा किए। उसी क्रम में जब हमारा एक ऑपरेशन चल रहा था ठोकिया का, जिसमें से उसका एक साथी मारा गया, लेकिन ठोकिया वहां से बच के निकल गया। और उसी क्रम में उसी दिन हमारे बीच के छाजाबाज कमांडोस शहीद हुए। उस दिन हम लोगों ने एक कसम खाई, पूरी टीम ने एक कसम खाई कि एक साल के भीतर ठोकिया को हर हालत में उसको समाप्त करना है, उसके पूरे गिरोह को समाप्त करना है। ये हम लोगों ने संकल्प लिया। और क्यों एक साल की क्यों घटना है, जुलाई 2007 की घटना है, जब हम शिव कुमार और ददुआ का मुठभेड़ में इनकाउंटर में ढेर किया गया उसके साथियों समेत। और ठीक एक साल तक लगातार मिशन चलता रहा। चांस तो कई बार आए दोस्त कि उसको तो चाहते हुए भी हम समाप्त कर सकते थे, बदला ले सकते थे, लेकिन हम लोगों का मिशन था कि पूरे गिरोह के साथ उनको समाप्त करना, ये मेरा मिशन था। तो एसटीएफ हम लोग पूरे मिशन पे सर्विलांस के थ्रू, मुखबिर के थ्रू, तरह तरह के भिन्न भिन्न तरहों से उस पर लगातार नजर रखे हुए थे। सारी पार्टियां लगातार लगी हुई थी, पार्टियों में भांत भांत के सारे ऑफिसर्स, सारे कर्मचारी साथ में थे। एक लगातार एक भावना थी कि हमारे साथियों को इन्होंने इस तरीके से अंजाम दिया है, हर हालत में पूरे गिरोह के एक साथ मुझे समाप्त करना है, एक साथ समाप्त करना है। लगातार इस पे वर्क कर रहे थे, क्योंकि ठोकिया भी बहुत ही इनामी बदमाश था, जिसके ऊपर 5 लाख से ज़्यादा इनाम था। यूपी और मध्य प्रदेश में पूरा इसके नाम से बोलबाला था, लोग दहशत में रहते थे। लोग कहीं जाते थे तो उनके घर वाले अपने परिवार को, अपने बच्चों को असुरक्षित समझते थे कि ऐसे ऐसे 10 सरगना हैं जो कभी भी कोई घटना का अंजाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हमारे परिवार में दिक्कत आ सकती है। तो बहुत एक चिंता का विषय था। दोनों स्टेट के पुलिस और आला हस्ती, चाहे मुख्यमंत्री, लगातार इसमें मीटिंग और चिंतित रहते थे लगातार कि कैसे भी ये मिशन समाप्त हो। और लगातार, और कहा जाता है जिस चीज़ के बारे में बार बार प्रयास हो, फोकस किया जाए लगातार। एक दिन ऐसी घटना बन गई। एक दिन मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली, उस समय एसटीएफ में मैं एसएसपी के साथ में था, एसटीएफ एसएसपी जो थे 2008 में। और ये 2008 अगस्त की घटना है कि वहाँ पर संकेत मिला कि आज हमारे ठोकिया अंबिका पटेल, जिसका पूरा नाम अंबिका पटेल है ठोकिया, आज अपने पूरे गिरोह के साथ एक गांव में पार्टी कर रहा है, पूरे टीम के साथ, पूरे अपने गिरोह के साथ खान पीन पार्टी कर रहा है। ये सूचना मिलकर सारे हम लोग तुरंत जो है हरकत में आ गए, पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ पहुंच करके उसको घेराबंदी कर लिया गया, जबरदस्त तरीके से घेराबंदी किया गया। और घेराबंदी में फिर लोकल पुलिस भी आ गई, और उस समय एडीजी स्तर के भी अधिकारी आ गए, और लगातार एक घेराबंदी लगभग 24 घंटे चली। लगातार उसको चैलेंज दिया जा रहा था, उसको घेरने की चैलेंज दिया जा रहा था कि आप घिर चुके हो, बच नहीं सकते हो, आप अपने को समर्पण कर दो, बाहर निकल आओ। लेकिन फिर भी वो निकलने को तैयार नहीं था। फिर अंतोगत्ता छत काट करके, रिस्क ले करके, उसमें धुंध और ग्रेनेड से हमला किया गया। जब वहां से ग्रेनेड गया और उसके धुंध से फिर वो छत से निकल करके भागा, और देखा गया उसके पास इतने आधुनिक हथियार थे, AK-47 जैसे कई आधुनिक हथियार, गोला बारूद, सारी चीजें थे। वो भागा, और जो भागा तो उसका पीछा किया गया हम लोगों के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा, और जबरदस्त तरीके से उसके भागने को नाकामयाब किया गया, और उसको उस मौके पर ढेर किया गया। और ढेर करने के बाद, सारे गिरोह को समाप्त होने के बाद, फिर जो कुछ बचे उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। और उस करने के बाद
हम लोग एक विजय का जुलूस मनाए, एक अंदर से एक बहुत ज़्यादा खुशी की एक भाड़ निकली कि इसका इंतकाम का बदला हम लोगों ने लिया। फिर इससे भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काफ़ी सारे टीम को सम्मानित किया गया, प्रशंसा पत्र दिया गया और इस तरीके से एक बहुत ही बेहतर ऑपरेशन एसटीएफ के नाम से हुआ। इस तरह से लगातार एक के बाद एक हम लोग लगातार मिलते रहेंगे, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक यू।